तो स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल ड्रीम जॉब विद अंकित पे। दोस्तों अभी आज बीएड सेकेंड ईयर पेपर फोर होने वाला, देखिए 6:41 है और अभी हमें जाना है 7:30 बजे। तो मैं कोशिश करता हूँ आपको बहुत जल्दी से जल्दी मैटर देने की। आप इसको देख लीजिएगा, यदि आपके पास कहीं शोर शराबा जगह पर है तो सिर्फ इसको आप चालू करके वॉइस को आप धीमा करके छोड़ दीजिएगा और वीडियो को चलने दीजिएगा। धीरे धीरे पूरा देख लीजिए, आपका जो रिविज़न हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले देखते हैं यहाँ पे निर्देशन का अर्थ। दिशा दिखाना अर्थात निर्देश देना होता है। निर्देशन का अर्थ दिशा दिखाना अर्थात निर्देश देना होता है। देखिए यहाँ पे निर्देश आदेश से भी निर्देश का मतलब आदेश में अधिकार होता है, लेकिन निर्देश में क्या होता है, केवल सलाह या सहायता दी जाती है। क्रो और क्रो ने क्या बोला है कि निर्देश, क्रो और क्रो के अनुसार निर्देश का अर्थ है निर्देश देना नहीं है, अपितु योग्य एवं प्रशिक्षित व्यक्ति द्वारा किसी व्यक्ति को दी जाने वाली सहायता है। यानी क्रो ने इसको सहायता बोला है जिससे वो अपने निर्णय स्वयं ले सके। तो यहाँ पर देखा जाए तो निर्देशन का मतलब सहायता या सलाह ही है, तो क्रो और क्रो ने भी इसकी सहायता ही बोला है। गुड के अनुसार क्या है, निर्देश व्यक्ति के दृष्टिकोणों एवं उसके बाद के व्यवहारों को प्रभावित करने के उद्देश्य से स्थापित गतिशील परस्पर संबंधों का एक प्रक्रम है। तो गुड से अनुसार क्या है, परस्पर संबंधों का एक प्रक्रम होता है। गुड खाने से क्या होता है, संबंध मजबूत होते हैं। तो परस्पर जो संबंध होते हैं वो उनको मजबूत होते हैं गुड़ के अनुसार। जोन्स के अनुसार क्या है, निर्देशन से ऐसे संकेत करना है। यहाँ पे आपको कुछ की पकड़ लेना है, प्रदर्शन करना, पथ प्रदर्शन करना है। इसका अर्थ सहायता देने से अधिक व्यापक है, यानी संकेत करना या प्रदर्शन करना जोन्स के अनुसार। सैले हेमरिन ने व्यक्ति को स्वयं को पहचानने में सहायता करना ताकि वह जीवन में प्रगति कर सके निर्देशन कहलाता है, सरले हेमरिन के अनुसार। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। बर्नार्ड के अनुसार निर्देशन के अंतर्गत वे सभी क्रियाएं आ जाती हैं जो व्यक्ति के आत्मज्ञान में सहायक होती हैं। यहाँ पे अब आत्मज्ञान पॉइंट को आपको नोट कर लेना, आत्मज्ञान बर्नार्ड के अनुसार। देखिए यहाँ पे कथन आपको याद करना थोड़ा सा आसान होगा, लेकिन हम कुछ पॉइंट रख लिए हैं इस वजह से आपको बता दे रहे हैं। निर्देशन की प्रकृति के बारे में आप बात करें तो जॉन डेवी ने बोला है कि मनोवैज्ञानिकों द्वारा खोजी गई व्यक्तिक भेदों पर ही दर्शन की आधारभूत अवधारणा आधारित है, सत्य प्रतीत होता है। तो यहाँ पे व्यक्तिक भेदों पर बात की गई है जॉन डेवी के अनुसार। अगला देखते हैं, निर्देशन की प्रक्रिया के प्रमुख अंग कौन कौन से हैं। तो इनके अंग जो है चार हैं, मूल्यांकन, समायोजन, नवीकरण, विकास। ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछता है कि प्रकार जो है, तो आपको ध्यान दे लेना, इसमें पूछ सकता है कि इसमें से कौन नहीं है। तो मूल्यांकन, समायोजन, नवीकरण और विकास निर्देशन प्रक्रिया के प्रमुख अंग चार हैं। जोन्स ने निर्देशन के कितने सिद्धांत बताए हैं, तो जोन्स ने निर्देशन के 5 सिद्धांत बताए हैं। क्रो और क्रो एवं लिपियर तथा टसेल ने, देखो क्रो और क्रो एवं लिपियर तथा टसेल ने 14 बताए हैं। वहीं पे हैम्फीज और टेक्सलर ने 7 सिद्धांत बताए हैं, इनके दोनों का आधा। कितने पर सभी एकमत हैं, तो 10 पे सभी एकमत हैं। स्कूलों में निर्देशन, ये एक पुस्तक है, किसकी है, तो बाकर मेहंदी, इनकी एक पुस्तक है स्कूलों में निर्देशन। फिर से एक बार देख लीजिए, जोन्स ने निर्देशन के 5 बताए हैं, क्रो और क्रो ने 14 बताए हैं, हैम्फीज और टेक्सलर ने 7 बताए हैं। स्कूलों में निर्देशन पुक्ति है पुस्तक है बाकर मेहंदी की। निर्देशन एक ऐसी सेवा है जो कि स्कूल या उसके बाहर के वातावरण में समायोजन करने के लिए दी जाती है। तो ये कथन है प्रॉक्टर का, ये सभी विद्यालय विश्वविद्यालय में प्रॉक्टर होते हैं। तो निर्देशन एक ऐसी जो स्कूल या उसके बाहर के वातावरण में समायोजन के लिए दी जाती है। निर्देशन के कार्यों का वर्णन जेरान तथा रिक्सियो ने अपनी पुस्तक किया है, अपनी पुस्तक में किया है। इस पुस्तक का नाम है ऑर्गेनाइजेशन एंड एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ गाइडेंस, जेरान तथा रिक्सियो। जेरान तथा रिक्सियो के अनुसार निर्देशन के 8 कार्य हैं, जेरान तथा रिक्सियो के अनुसार। फिर निर्देशन का अर्थ सभी, अभी हमारे देश में क्या है, शैशवावस्था में, जिसको शिशु अवस्था में भी ऑप्शन में दिया जाता है। भारत में निर्देशन सबसे पहले किस शाखा से प्रारंभ हुआ था, तो ये व्यावसायिक शाखा से प्रारंभ हुआ था। कलकत्ता यूनिवर्सिटी में कब व्यावसायिक मनोविज्ञान की शाखा खोली गई थी, 1915 में, और इसी के अंतर्गत 1938 में व्यावसायिक निर्देशन की शाखा स्थापित हुई थी जिसके अध्यक्ष थे श्री जी एस बोस। 1938 में निर्देशन की शाखा खोली गई थी और कलकत्ता यूनिवर्सिटी में मनोविज्ञान की शाखा 1915 में। उत्तर प्रदेश में सन 1942 में इलाहाबाद में मनोविज्ञान निर्देशन ब्यूरो की स्थापना हुई थी, इसके जो है आचार्य नरेंद्र देव जी इसके अध्यक्ष किए थे। 1942 में इलाहाबाद में मनोविज्ञान निर्देशन ब्यूरो की स्थापना की गई, इसके अध्यक्षता आचार्य नरेंद्र देव जी ने किया था। अब अगला क्वेश्चन में आता है, बम्बई ने 1947 में
व्यावसायिक ब्यूरो संबंधी कार्य प्रारंभ किए थे बम्बई ने, और 1950 में व्यावसायिक निर्देशन ब्यूरो की स्थापना की गई यहीं बम्बई में ही। बम्बई में निर्देशन ब्यूरो की अलग स्थापना सन 1952 में की। देखिए यहाँ पे एक पॉइंट है आपको, निर्देशन ब्यूरो और यहाँ पे एक अलग स्थापना, तो आपको ध्यान देना है यदि अलग से पूछेगा तो 1952 में और यहाँ पे व्यावसायिक निर्देशन ब्यूरो 1950 में। फिर आता है राष्ट्रीय बेरोजगार विभाग में निर्देशन कब प्रारंभ किया गया, तो 1957 में हुआ बेरोजगार। अखिल भारतीय निर्देशन का कार्यालय भवन की स्थापना सन 1960 में होती है। कब निर्देशन आंदोलन का स्वरूप अखिल भारतीय हो गया, तो 4 साल बाद 64 में हो गया। केंद्रीय शैक्षिक व्यावसायिक निर्देशन ब्यूरो की स्थापना हुई थी 1954 में। केंद्रीय शैक्षिक एवं व्यावसायिक निर्देशन ब्यूरो की स्थापना 1954 में हुई थी। एनसीईआरटी के द्वारा स्थापित एक विभाग मनोविज्ञान और शिक्षा के नाम से निर्देशन के क्षेत्र में सहायता करता है। यहाँ पे एनसीईआरटी के द्वारा स्थापित विभाग जिसका नाम मनोविज्ञान और शिक्षा के नाम से निर्देशन के क्षेत्र में सहायता करता है, मनोविज्ञान और शिक्षा। राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान SCERT, इसकी स्थापना राजस्थान के उदयपुर में हुई थी 17 अक्टूबर 1978 ईस्वी में। राज्य शैक्षिक एवं व्यावसायिक ब्यूरो की स्थापना मुदालियर शिक्षा आयोग के परिणाम स्वरूप राजस्थान राज्य में सन 1985 ईस्वी में की गई थी। यहाँ पर देखिए राज्य शैक्षिक की बात कर रहा है। यह निर्देशन कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षण प्रदान करता है, निर्देशन कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षण प्रदान करता है, जो लोग निर्देशन देते हैं उनको प्रशिक्षण प्रदान करता है मुदालियर शिक्षा आयोग के परिणाम स्वरूप। साधारणतया शिक्षक छात्र अनुपात जो होता है वो 1:40 का होता है। मानव के व्यक्तिगत जीवन के कितने प्रमुख पक्ष हैं, देखिए तो मानव के व्यक्तिगत जीवन के यानी पर्सनल के 4 प्रमुख पक्ष हैं, सामाजिक, पारिवारिक, शारीरिक और मानसिक। सामाजिक, पारिवारिक, शारीरिक और मानसिक। अब यहाँ देखिए व्यक्तिगत निर्देशन का अर्थ एवं परिभाषा। व्यक्तिगत निर्देशन CV गुड के अनुसार, अब यहाँ पे कुछ पॉइंट आपको ले लेना है, गुड फिर आ गया है, तो CV गुड के अनुसार निर्देशन का वह पहलू जो व्यक्ति को उसकी व्यक्तिगत आदतों, मनोवृत्तियों और आंतरिक व्यक्तिगत समस्याओं समाधान में सहायता प्रदान करता है व्यक्ति निर्देशन कहलाता है। CV गुड के अनुसार उसके व्यक्तिगत आदतों, मनोवृत्तियों, आंतरिक व्यक्तिगत समस्याओं के समाधान हेतु सहायता प्रदान करता है CV गुड के अनुसार। यहाँ पे किसकी बात हो जा रही है, निर्देशन की बात हो रही है। क्रो और क्रो के अनुसार क्या है, व्यक्तिगत निर्देशन वह सहायता है जो व्यक्ति को जीवन के समस्त क्षेत्रों में रवैयों और व्यवहार के विकास में श्रेष्ठ सामंजस्य स्थापित करने के लिए की जाती है। जीवन के समस्त क्षेत्रों में रवैयों और व्यवहार, यहाँ पे कुछ आपको पॉइंट पकड़ लेना है, रवैयों और व्यवहार, क्रो और क्रो। मूनी एवं रेमर्स के अध्ययन के आधार पर व्यक्तिगत समस्याओं के कितने वर्गों में बांटा गया है, तो ये 7 वर्गों में बांटा गया है। व्यक्तिगत निर्देशन के आधारभूत सिद्धांत कितने हैं, तो 6 सिद्धांत हैं। और शिक्षा के कितने स्तर हैं, 5। यहाँ पे देखिए कौन कौन है, पूर्व प्राथमिक स्तर, क्रो एंड इंट्रोडक्शन टू गाइड, इनके एक पुस्तक है जो कि इस पर आधारित है। इसमें क्या था, स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं आती हैं बच्चों को। प्रारंभिक स्तर, सुरक्षा, भरोसा, अनुशासन, व्यवसायिक कौशल, अवकाश के समय, क्रियाकलाप, ये समस्याएं आती हैं जो प्राथमिक स्तर पे जो बच्चे पढ़ते हैं। सुरक्षा, भरोसा, अनुशासन, यहाँ क्वेश्चन पूछा गया है कि सुरक्षा किस स्तर में आता है, तो प्राथमिक स्तर के बालकों में। जूनियर हाई स्कूल, इसमें क्या होता है, उत्साह और शारीरिक विकास की तीव्र वृद्धि होती है, ये किशोरावस्था के पहले की अवस्था है। यहाँ पे हाई स्कूल स्तर होता है जिसमें किशोरावस्था की शुरुआत हो जाती है। कॉलेज या विश्वविद्यालय स्तर, जिसे प्रौढ़ावस्था भी बोला जाता है। फिर अगला क्वेश्चन है शैक्षिक निर्देशन। शैक्षिक निर्देशन टी रेमंड के अनुसार क्या है, शैक्षिक निर्देशन शिक्षा विकास का वह क्रम है जिसके द्वारा मानव अपने को भौतिक, सामाजिक एवं आध्यात्मिक वातावरण के अनुकूल बनाने का प्रयास करता है, ये टी रेमंड के अनुसार है। किस अवस्था में बच्चों के मस्तिष्क एक सादी स्लेट की तरह होता है, एक कोरी स्लेट देखिए, तो 2 से 3.5 वर्ष का अवस्था में बच्चों को मस्तिष्क एक सादी कोरी प्लेट की तरह होता है। किस गुण के कारण व्यक्ति एक सफल डॉक्टर, प्रोफेसर और इंजीनियर बन पाता है, तो जन्मजात जो गुण होते हैं उसी की वजह से वो एक सफल व्यक्तित्व तो उसके अंदर गुण आते हैं। साक्षात्कार के समय परामर्श में, यहाँ पर देखिए आमने होगा, आमने सामने का व्यक्तित्व के से व्यक्ति का संपर्क होता है, तो ये जोन्स ने बोला है। साक्षात्कार के समय परामर्श में आमने सामने का व्यक्ति से व्यक्ति का संपर्क होता है जोन्स के अनुसार। हार्डी ने परामर्श के कितने प्रकार बताए हैं, तो हार्डी ने परामर्श के 3 प्रकार बताए हैं।
अब जैसे अब यहाँ पे एक कथन हार्डी का है, किसके अनुसार परामर्श का उद्देश्य व्यक्ति को अपनी समस्याओं के स्वयं समाधान की योजना में सहायता देना है? तो हार्डी ने ही बोला था कि परामर्श का उद्देश्य व्यक्ति को अपनी समस्याओं के स्वयं समाधान की योजना में सहायता देना है। नेक्स्ट है, अप्रेसिंग वोकेशनल फिटनेस पुस्तक के लेखक कौन है? तो ये सुपर हैं। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की स्थापना हुई थी 1919 में और 1949 में व्यावसायिक निर्देशन की परिभाषा दी गई थी ILO के द्वारा। शिक्षा के कितने स्तरों पर व्यावसायिक निर्देशन दिया जाता है? तो तीन स्तर हैं। पहला है प्राथमिक स्तर, माध्यमिक एवं उच्च स्तर और कॉलेज एवं विश्वविद्यालय स्तर। तीन स्तर पर निर्देशन दिया जाता है। विली और एंडू के अनुसार इन्होंने परामर्श की परिभाषा दी, परामर्श पारस्परिक रूप से सीखने की प्रक्रिया है। विली एंड एंडू, परामर्श पारस्परिक रूप से सीखने की प्रक्रिया है विलू और एंडू के अनुसार। अब जिसे पूछे कि परामर्श की मुख्य रूप से कितनी प्रविधियाँ हैं, तो इसकी तीन प्रविधियाँ हैं। अब परामर्श की आवश्यकता के स्तर, परामर्श की आवश्यकता के भी स्तर तीन हैं, अनौपचारिक परामर्श, सामान्य परामर्श और व्यावसायिक परामर्श। देखिए पूछे विलियम कोटल ने परामर्श के, तो विलियम कोटल ने तीन के स्थान पर पाँच तत्व बताए हैं, यहाँ पे तीन हैं। तो विलियम कोटल ने परामर्श के तीन के स्थान पर पाँच तत्व बताए हैं, कोटल। जब विलियम कोटल पूछेगा तो पाँच, बाकी ऐसे तीन। फ्रायडियन संबंधी हैं, किस संबंधी के आधार पर परामर्श कितने प्रकार के होते हैं? तो सात प्रकार के होते हैं फ्रायडियन संबंधी। फ्रायडियन कॉन्सेप्ट के आधार पर परामर्श सात तत्व होते हैं, विलियम कोटल के अनुसार पाँच होते हैं। सामान्य पूछेगा तो तीन होते हैं। परामर्श प्रक्रिया का प्रत्येक सत्र कितने मिनट का होता है? तो 30 मिनट का होता है। एक मनोवैज्ञानिक को ना तो कुछ बेचना है और ना ही विहितीकरण करना है, ये किसने कहा था? तो रॉबर्ट डब्ल्यू वाइट ने कहा था। यहाँ पे देखिए रॉबर्ट डब्ल्यू वाइट, वाइट का मतलब सफ़ेद। तो यदि आप सफ़ेद हैं एकदम, तो आपको ना तो कुछ बेचना रहेगा और ना ही कुछ खरीदना रहेगा। सफ़ेद का मतलब यहाँ पे आपके पास कुछ भी ना होने पर एकदम कोरा। किसको निर्देशन वासियों का हृदय कहा जाता है? तो परामर्श दाता, परामर्श। किसको निर्देशन वासियों का हृदय कहा जाता है? परामर्श। परामर्श साक्षात्कार विधि के द्वारा किसी व्यक्ति को अपनी समस्याओं का समाधान करने में सहायता देने की प्रक्रिया है। किसने कहा था? साक्षात्कार विधि द्वारा समस्याओं का समाधान करने की सहायता देने की प्रक्रिया है। तो बोर्डिन ट्रिक क्या याद करेंगे, या साक्षात्कार अगर आपको देना रहता तो बहुत बड़ा बर्डन हो जाता है, तो साक्षात्कार और बोर्डिन। परामर्श को सामान्यता कितने प्रकारों में बांटा जा सकता है? तो 10 प्रकार है परामर्श। निर्देशी परामर्श विचारधारा के प्रवर्तक हैं विलियमसन। इसी 10 में से एक निर्देशी है और एक है अनिर्देशी। निर्देशी परामर्श विचारधारा के प्रवर्तक हैं विलियमसन निर्देशी। अब विलियमसन ने निर्देशात्मक परामर्श के 600 बताए हैं, विश्लेषण, संश्लेषण, निदान, फलानुमान और परामर्शदाता। यहाँ पे एक ऑप्शन नहीं दिया गया है। निर्देशात्मक परामर्श में प्रयुक्त प्रविधियाँ हैं पाँच, ये अभी इसी की बात हो रही है। फिर निर्देशात्मक परामर्श, देखिए यहाँ पे 6 हैं लेकिन प्रविधियाँ पाँच हैं। निर्देशी परामर्श किस प्रकार की बुद्धि वाले के लिए अति उत्तम है? तो मध्य बुद्धि वाले के लिए। छात्रों की भावी समस्याओं की संभावनाओं को ज्ञात करने करके क्या करना चाहिए? फलानुमान। फलानुमान क्या होता है? उसकी जो भविष्य में उसकी जो समस्याएं हैं उनका अनुमान लगाना। निर्देशी परामर्श में किसको अधिक महत्व दिया जाता है? तो परामर्शदाता को। किस विधि में परामर्शदाता परामर्श प्रार्थी का पूर्ण रूपेण मार्गदर्शन करता है? तो निर्देशी परामर्श में। काफ़ी क्वेश्चन निर्देशी परामर्श यहाँ पूछे जा रहे हैं। अब आता है अनिर्देशी परामर्श। अनिर्देशी परामर्श के प्रवर्तक कौन है? कार्ल रोजर्स। और निर्देशी परामर्श के, निर्देशी परामर्श के देखिए यहाँ पे आपको फिर से दिखा देते हैं, विलियमसन, विलियमसन कार्ल रोजर्स, विलियमसन कार्ल रोजर्स, अनिर्देशी कार्ल रोजर्स। अनिर्देशी परामर्श में परामर्शदाता को स्थान दिया गया है गौण, अनिर्देशी में परामर्शदाता को गौण स्थान दिया गया है, लेकिन निर्देशी में जो है उसको प्राथमिकता दी गई है। निर्देशी में परामर्श प्रार्थी को गौण स्थान दिया गया है, इसमें क्या होता है परामर्शदाता ही मेन होता है, और अनिर्देशी में परामर्शदाता मेन नहीं होता है, जो परामर्श प्रार्थी है वो मेन होता है। निर्देशी में परामर्शदाता, अनिर्देशी में परामर्श प्रार्थी। रोजर्स ने
अनिर्देशी परामर्श की कितनी विशेषताएं बताई हैं? तो तीन बताई हैं। फिर उपबोध, देखिए यहाँ पे तीन दी गई हैं, उपबोध केंद्रित संबंध, भावना तथा आवेग को संबंध और उचित वातावरण। निराशा से बचने के लिए कौन सी प्रविधि आवश्यक है? तो यह है आश्वासन प्रविधि। शिक्षा जगत में किस विधि का प्रचलन अधिक लोकप्रिय है? तो यह है व्याख्यान विधि। वर्तमान समय में शिक्षा पद्धति का एक अभिन्न अंग है संचित अभिलेख पत्र, कुमुलेटिव रिकॉर्ड कार्ड। शिक्षा पद्धति का अभिन्न अंग है संचित अभिलेख पत्र में किसी ज्ञान के बारे में लंबी अवधि में एकत्रित की गई सूचनाएं होती हैं। ये परिभाषा है मुरे थॉमस का, जो कि एक पूरे वर्ष में जो है कि उससे पहले की अवधि में जो एकत्रित की गई सूचनाएं होती हैं, तो ये परिभाषा है मुरे थॉमस। किसके अनुसार संचित अभिलेख पत्र छात्र संबंधी समस्त सूचनाओं का स्थायी रूप में सुरक्षित रखता है? तो क्रो एंड क्रो, एक साक्षात्कार जहां समस्त सूचनाओं को स्थायी रूप में सुरक्षित रखता है, तो क्रो एंड क्रो के अनुसार। एक साक्षात्कार को कुछ विषयों को लेकर व्यक्तियों के आमने सामने के मिलान किया जा सकता है, प्रोफेसर मानेंद्र नाथ बसु, आमने सामने का मिलान किया जा सकता है। किसके साक्षात्कार को दो व्यक्तियों के बीच सामाजिक स्थिति माना है? किसने साक्षात्कार को दो व्यक्तियों के बीच सामाजिक स्थिति माना है? तो प्रोफेसर वीएम पाल्मर, दो व्यक्तियों के बीच सामाजिक स्थिति, प्रोफेसर वीएम पाल्मर। किस प्रविधि में निर्णय लेने के समय की बचत होती है? तो निर्धारण मापनी में। बूझो कौन विधि का विकास किसने किया था? हार्टसन ने बूझो कौन विधि का विकास किया था। प्रश्नावली प्रविधि के प्रकार, यहाँ प्रश्नावली प्रविधि के दो प्रकार हैं, एक बंद प्रकार जिसमें आप उत्तर हाँ या ना में देते हैं, और एक मुक्त प्रकार है। अब नेक्स्ट है उपाख्यान अभिलेख, एनेक्डोटल रिकॉर्ड। इनके प्रतिपादक हैं एजे जोन्स। उपाख्यान अभिलेख, इसको कैसे याद करेंगे? इसका अंग्रेजी का ये देख लीजिए, और इसके प्रतिपादक में भी आगे ए दिया गया है। उपाख्यान अभिलेख कितने प्रकार के होते हैं? तो चार प्रकार के होते हैं। फिर साक्षात्कार वह क्रमबद्ध विधि है जिसके द्वारा एक व्यक्ति अपेक्षाकृत अजनबी व्यक्ति के जीवन में प्रवेश करता है। तो ये कथन है पोलिन यंग का, अजनबी व्यक्ति के जीवन में प्रवेश करना, पोलिन यंग। व्यक्तिवृत्त अध्ययन, केस स्टडी मेथड। व्यक्ति अध्ययन एक प्रकार का गुणात्मक विश्लेषण है, ये कहा था विशेज एंड विशेज, एक प्रकार का गुणात्मक विश्लेषण है व्यक्ति अध्ययन। व्यक्ति अध्ययन किसी व्यक्ति का लघु लेकिन गहरा अध्ययन है, तो लघु और गहरा की बात की गई थी, तो YH पायो। व्यक्ति व्रत अध्ययन के कितने प्रकार हैं? तो दो प्रकार हैं, एक है औपचारिक व्रत और एक है अनौपचारिक व्रत अध्ययन। वृत्त है समस्त सूचना, यहाँ पे सामान्य सूचना, मतलब औपचारिक व्रत अध्ययन में क्या होता है, किसी के बारे में पूरी जानकारी ली जाती है, इसमें सामान्य जानकारी। बालक के जीवन उपागम मानसिक विश्वास मूल्यों आदि के निर्धारण में किसकी भूमिका होती है? तो परिवार की होती है। आत्मकथा प्रविधि प्रायः कितने प्रकार की होती है? आत्मकथा प्रविधि तीन प्रकार की, पहली है अनिर्देशित, निर्देशित और मिश्रित। क्रम निर्धारण प्रविधि रेटिंग टेक्निक का प्रयोग वस्तुनिष्ठ जानकारी प्राप्त करने के लिए किया जाता है। अब क्रम निर्धारण मापने के कितने प्रकार हैं? तो पांच प्रकार हैं क्रम निर्धारण मानी रेटिंग स्केल के। सामान्य तथा औसत से परे भिन्न और पृथक बालक कहलाते हैं, तो विशिष्ट कहलाते हैं। किसके अनुसार यह वह बालक पिछड़ा बालक है जिसकी निष्पत्ति लब्धि 85 से कम है? तो सिरिल बार्ट के अनुसार। विद्यालय जन सामान्य में कितने प्रतिशत बालक पिछड़े बालक है? तो 10% बालक जो है पिछड़े बालक है विद्यालय में। अब संचयी अभिलेख की बात आती है, देखिए संचयी अभिलेख 1928 में अमेरिका में सबसे पहले तैयार किया गया था संचयी अभिलेख, फिर उसके 5 साल बाद 1933 में विस्टन वी स्टीफंस और फरसोड द्वारा इसे तैयार किया गया, फिर 1936 में वेंडी वुड ने इसके प्रारूप प्रस्तुत किए। तो शुरुआत कहाँ से होती है? 1928 में अमेरिका द्वारा। मुरे थॉमस किसी समूह के बारे में लंबी अवधि में एकत्रित सूचना है, इन्होंने बताया था जो कम्युनिटी रिकॉर्ड होता है वो मुरे थॉमस के अनुसार किसी समूह के बारे में लंबी अवधि में एकत्रित सूचना है। संचयी अभिलेख पत्र प्रायः तीन प्रकार के होते हैं, क्यूमुलेटिव रिकॉर्ड कितने प्रकार के होते हैं? तीन प्रकार के। पहला है एकल पत्र, इसमें सिंगल कार्ड होता है जिसका आकार 9x11.5 का होता है, और इसमें दूसरी होती है पुस्तिका जिसे बुकलेट बोला जाता है, इसका आकार 8.5x11 है, ये उससे थोड़ा सा छोटी है। फिर तीसरा होता है फोल्डर, ये 9x12, इसमें 4 भाग होते हैं, और दूसरे में देखिए इसमें 48 पृष्ठ होती है, बुकलेट होती है ये, एकल, पुस्तिका और फोल्डर। परामर्श
अब देखिए कैसे इसको याद कर सकते हैं, एक एकल मतलब एक पेज से बना हुआ है, इसमें इस पुस्तक में कई पेज हैं और इसके बाद फोल्डर बनाया गया, उस फोल्डर में पुस्तक को रखा गया है, इसको आप अलमारी समझ सकते हैं। परामर्शदाता की योग्यता को कितने भागों में बांटा जा सकता है, तो तीन भागों में बांटा जा सकता है। निर्देशन के सिद्धांत नामक पुस्तक, निर्देशन के सिद्धांत नामक पुस्तक जोन्स की है। समन्वय शिक्षा की व्यवस्था का प्रावधान 1990 में किस समिति ने किया था, तो राममूर्ति समिति ने किया था समन्वित शिक्षा। समस्यात्मक बालक को किस नाम से जाना जाता है, तो कुसुमायोजित, जो गलत संगतियों में पड़ जाते हैं। बीडन ने समस्यात्मक बालक के कितने प्रकार बताए हैं, तो 28 बताए हैं। पीसी रैन के अनुसार घड़ी में जो स्थान कमानी का है, मशीन में प्रचक्र का और जलयान में यंत्रीकरण का होता है, वही स्थान विद्यालय में प्रधानाचार्य का होता है। पीसी रैन इसको आप कह सकते हैं पीसी प्रिंसिपल, तो यहाँ प्रधानाचार्य। गत्यात्मक ग्रीक भाषा का शब्द है जिसका अर्थ होता है शक्ति। आर्थर ई ट्रैक्सलर ने समूह निर्देशन के कितने सिद्धांत बताए हैं, उद्देश्य बताए हैं, तो 5 बताए हैं। जीविका सम्मेलन की वार्ता अवधि होती है 1 या 2 घंटे की। समूह परामर्श, सामूहिक परामर्श का आधार नामक पुस्तक, सामूहिक परामर्श नामक पुस्तक कैंप ने जारी की थी। गाइडेंस सर्विसेज नामक पुस्तक ट्रैक्सलर, गाइडेंस सर्विसेज देखिए ट्रैक्टर की सर्विस कराई जाती है, ये ट्रैक्टर सर्विसेज, ट्रैक्टर यहाँ पे इसको ट्रैक्सलर को ट्रैक्टर समझ, ट्रैक्टर सर्विसेज। मायर्स के अनुसार कितने शीर्षकों के अंतर्गत सूचनाएं संकलित करना आवश्यक है, तो 8 शीर्षकों के अंतर्गत। परामर्श एवं निर्देशन सेवाओं में किन सेवा का स्थान अत्यंत महत्वपूर्ण है, तो नियोजन का है। बेकन के शब्दों, बेकन ने क्या कहा पुस्तकालय के बारे में, पुस्तकालय अलमारियों के वे खाने हैं जहाँ सद्गुण संतों की स्मृतियाँ बिना किसी भ्रम पूर्ण मिश्रण और पूर्ण महत्ता के साथ सुरक्षित रखी जाती हैं। बेकन ने पुस्तकालय के बारे में। अब बुद्धि परीक्षण आता है, बुद्धि परीक्षण सीखने की योग्यता है, ये कहा था बकिंघम ने। बुद्धि सीखने की योग्यता है, ये बकिंघम ने कहा है। बुद्धिगत अनुभव से लाभ उठाने की योग्यता है, थॉर्नडाइक और एबिंग हॉस ने कहा है। बुद्धि अमूर्त चिंतन की योग्यता है, अमूर्त चिंतन तो टर्माइन और गैरेट ने कहा है, बुद्धि अमूर्त चिंतन की योग्यता है। वहीं पे बुद्धि वही है जिसका बुद्धि परीक्षण मापन करते हैं, ये कहा था फ्रीमैन ने। बुद्धि वही है जिसका बुद्धि परीक्षण मापन करते हैं फ्रीमैन, ये फ्री यानी बिना कोई इनको योजना बनाए बोल दी कि हाँ जिसका मापन हो जाएगा बुद्धि है, तो फ्रीमैन। बुद्धि का मानसिक बुद्धि सिद्धांत किसने दिया था, तो पियाजे ने दिया। इन्होंने एक और सिद्धांत दिया है, भौतिक एवं सामाजिक पर्यावरण में संयोजन का सिद्धांत पियाजे ने ही दिया है। फिर बुद्धि का एक कारक सिद्धांत, देखिए एक कारक सिद्धांत तीन लोगों ने दिया, बिने, टर्माइन और स्टर्न। टर इसमें भी टर है, इसमें भी टर है, और एक है बिने, बिने ने सबसे पहले बुद्धि का सिद्धांत दिया था। फिर द्वि कारक पूछेगा तो स्पीयरमैन, अगर मान लिया देखिए त्रिकारक हम लोगों को पढ़ाया नहीं गया, लेकिन त्रिकारक इसका भी अभी देखेंगे नेट पर आप डालेंगे तो स्पीयरमैन ही आएंगे, तो 2 कारक और 3 कारक दोनों स्पीयरमैन ही है। अब बहुकारक की बात आती है, बहुकारक या असत्यात्मक सिद्धांत या फिर आण्विक सिद्धांत, इसमें से कोई भी पूछेगा तो इसके थॉर्नडाइक हैं, बिने, स्पीयरमैन, थॉर्नडाइक और थर्स्टन। इन्होंने, थर्स्टन ने 8 प्राथमिक योग्यताओं का वर्णन किया है। अब जीएस फैक्टर के प्रतिपादक की बात करें तो स्पीयरमैन जीएस फैक्टर के प्रतिपादक हैं। बुद्धि की संरचना सिद्धांत गिलफर्ड ने बताया है, इन्होंने 80 कारक बताए हैं। बुद्धि का प्रतिदर्श सिद्धांत, ये थॉमसन का सिद्धांत है, बुद्धि का प्रतिदर्श सिद्धांत। पदानुक्रमित सिद्धांत, बर्ट तथा वर्मन का बुद्धि का सिद्धांत है, पदानुक्रमित सिद्धांत बर्ट तथा वर्मन ने दिया है। अब है किस वंश के अध्ययन में निम्न बुद्धि की आनुवंशिकता स्थापित है, तो ज्यूकस, ज्यूकस से समझ लीजिए कंजूस, कंजूस व्यक्ति निम्न बुद्धि। और उच्च वंश एडवर्ड, वर्ल्ड यानी विश्व की बात की जा रही है, तो हाई लेवल की बात हो रही है यहाँ पे, तो एडवर्ड वर्ल्ड उच्च हो गया और ज्यूकस कंजूस हो गया, वो निम्न हो गया। बुद्धि परीक्षण की दिशा में पहला ठोस कदम कब उठाया गया था, तो देखिए पहला ठोस कदम और यदि पूछे पहला बुद्धि परीक्षण, तो बिने साइमन परीक्षण बोला जाता है, ये 1905 ईस्वी में अल्फर्ड बिने ने किया था, पहला बुद्धि परीक्षण बिने ने किया था और इसमें पहला कदम भी इन्हें उठाया था। आकार फलक परीक्षण किसने बनाया था, तो सेगुइन और गोडार्ड, आकार फलक। उत्तर प्रदेश में मनोविज्ञान शाला की क्रियात्मक बैटरी परीक्षण परीक्षा किसने बनाई थी, तो CM भाटिया, ये भाटिया परीक्षण के नाम से भी इसे जाना जाता है। अधिकांश मनोविज्ञानों के अनुसार बुद्धि का विकास कब तक होता है, तो 16 वर्ष तक होता है। व्यक्ति के विकास में महत्वपूर्ण हाथ होता है अभियोग्यता टेस्ट का होता है, एप्टीट्यूड टेस्ट। अभियोग्यता वर्तमान दशा है जो व्यक्ति की भविष्य क्षमताओं की ओर संकेत करती है, तो ट्रैक्सलर का है।
अब योग्यता एप्टीट्यूड टेस्ट वर्तमान दशा है जो व्यक्ति की भविष्य क्षमताओं की ओर संकेत करती है। ट्रैक्सलर। अब योग्यता के प्रकार देखिए, मुख्य रूप से तीन होते हैं। बिंघम ने 8 दिए हैं और कैली ने 7 दिए हैं। बिंघम 8 और कैली 7। बिंघम के अनुसार 8, कैली के अनुसार 7, मुख्य रूप से तीन हैं। अभियोग्यता अभिरुचि के प्रकार। अब अभिरुचि का मापन की बात करते हैं यहाँ पे, तो गैरेट ने क्या दिया बोला है कि अभिरुचि परीक्षाएं ऐसी परीक्षाएं हैं जिसके द्वारा संगीत गणित यांत्रिक दक्षता का ज्ञान पता लगाया जाता है। तो गा से गैरेट और गा से यहाँ पे गणित भी आ रही है, तो आप इस तरह से याद कर सकते हैं। ब्लूम और बैलेंसकी, अभिरुचि परीक्षाओं का बुद्धि परीक्षाओं से संबंध है। बा से बुद्धि और बा से ब्लूम और बा से ही बैलेंसकी है। अभिरुचि परीक्षाओं का बुद्धि परीक्षाओं से संबंध है, यहाँ पे बैलेंस की, ब्लूम और बैलेंस की। विभेदक अभिरुचि परीक्षण के प्रकार हैं 8। देखिए यहाँ पे अभिरुचि परीक्षण के जब पूछेगा तो यहाँ पे कितने प्रकार बताए गए हैं, ये मुख्य रूप से 3, विंघम के अनुसार 8, कैली के अनुसार 7। लेकिन ये है विभेदक यानी डिफरेंस, तो विभेदक के 8 हैं। अंग्रेजी का इंटरेस्ट शब्द लैटिन भाषा के, देखिए ये क्वेश्चन पूछ सकता है कि सबसे बना है, काफी क्वेश्चन इससे पहले पूछा है। तो इंटरेसी INTERESEE है, इंटरेसी शब्द से बना है जिसका अर्थ है इट कॉज डिफरेंस, यानी जो विभिन्नता पैदा करता है, इसका कारण विभिन्नता होता है। मैकडूगल के अनुसार क्या है, रुचि गुप्त अवधान है और अवधान रुचि का क्रियात्मक पक्ष है। मैंने कुछ ऐसे जो है लिए हैं कथन जो आपको आसानी से याद हो जाए। मैकडूगल ने बोला है रुचि गुप्त अवधान है और अवधान रुचि का क्रियात्मक पक्ष है। क्रो एंड क्रो ने क्या बोला है कि रुचि एक प्रेरक शक्ति है जो किसी वस्तु या क्रिया के प्रति लगाव पैदा करती है। रुचि एक, देखिए क्रो एंड क्रो से आप कौवा वाली कहानी को याद कर लीजिए, जिस कौवे के अंदर रुचि थी तो उसने क्या किया, तो उसके अंदर लगाव पैदा हुआ था तभी वो कंकड़ को लाके पानी में डाला था। तो क्रो एंड क्रो ने रुचि एक प्रेरक शक्ति बोला और वस्तु को क्रिया के प्रति लगाव पैदा करती है, ये बोला है। ड्रेवर ने क्या बोला, किसी रुचि किसी प्रवृत्ति, यहाँ पे दो बार हो गया है, रुचि किसी प्रवृत्ति का गत्यात्मक पहलू है। इसने सही कर दिया है, रुचि किसी प्रवृत्ति का गत्यात्मक पहलू है, ये बोला था ड्रेवर ने। अब यहाँ पर रुचियों के प्रकार की बात करें तो सुपर ने दो प्रकार बताए हैं, अभिव्यक्त और प्रदर्शित, दो प्रकार बताए हैं सुपर ने। और हान तथा माइकलिन ने तीन बताए हैं, अभिव्यक्त, प्रेक्षित और मापित। रुचि के प्रकार सुपर ने दो बताए हैं, हान तथा माइकलिन ने तीन बताए हैं। अब रुचियों का मापन की बात करें तो स्ट्रांग महोदय की व्यावसायिक रुचि परसूची, स्ट्रांग महोदय ने व्यावसायिक रुचि परसूची जारी की थी। स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय में इसका निर्माण किया गया था, इसमें 42 पद थे। स्ट्रांग महोदय, देखिए पूछ सकता है कि रुचि का जो है मापन किसने किया था, तो स्ट्रांग महोदय ने किया था। स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय में इसका निर्माण किया था, इसमें 42 पद थे। यह परीक्षण 17 वर्ष की आयु के लिए था और अवधि इसकी 30 मिनट की थी। और इसका फलांकन जो होता था स्टेंसिल के द्वारा किया जाता था। जुंग के अनुसार व्यक्तित्व के प्रकार, जुंग के अनुसार व्यक्तित्व के तीन प्रकार हैं, अंतर्मुखी, बाह्यमुखी और मध्यमुखी। अंतर्मुखी का होता है कम व्यवहार कुशल और बाह्यमुखी अधिक व्यवहार कुशल, ऐसे बहिर्मुखी भी बोला जाता है। मध्यमुखी जिसमें दोनों के गुण विद्यमान हो। शील गुण का संबंध आलपोर्ट से है। प्रक्षेपण तकनीकी यानी प्रोजेक्टिव टेक्निक, इसका देखिए रोसा परीक्षण के नाम से जाना जाता है। रोसा परीक्षण क्या होता है, इसे हरमन रोसा ने 1921 में दिया था। वहीं पर दूसरे परीक्षण की बात करें तो प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण जिसे TAT बोला जाता है, इसका फुल फॉर्म अगर पूछेगा तो थीमैटिक अपरसेप्शन टेस्ट, थीमैटिक अपरसेप्शन टेस्ट। इसका निर्माण मुरे और मॉर्गन ने किया था 1935 में। देखिए इसका 1921 और इसका 1935। इसमें 30 चित्र होते थे, 10 पुरुष और 10 स्त्री को दिए जाते थे और 10 बाकी 10 जो बनते थे वो दोनों लोगों को दिए जाते थे। अगला है बालक अंतर्बोध परीक्षण जिसे CAT बोलता है, चाइल्ड, उसके बाद सेम टू सेम में आगे लगा लीजिएगा, चिल्ड्रन अपरसेप्शन टेस्ट, यहाँ पे चिल्ड्रन अपरसेप्शन टेस्ट। इसका खोज किया था लिथोपोल्ड बायलक। देखो कैसे आपको याद करना है, यहाँ पे बालक है और यहाँ पे भी बायलक है, तो आप इसको इससे याद कर सकते हैं, बालक बायलक।
1948 में 21, 35 और 48, ये 3 से 11 वर्ष की आयु के लिए। फिर आता है अचीवमेंट टेस्ट, इसे उपलब्धि परीक्षण बोलाता है। सुपर के अनुसार उपलब्धि परीक्षण कितना सीखा या कोई कार्य करने में अर्जित दक्षता की मात्रा है। सुपर ने उपलब्धि परीक्षण में बोला है कि कितना सीखे हैं आप, वही उपलब्धि परीक्षण बताता है। फ्रीमैन ने क्या बोला है, उपलब्धि परीक्षण किसी एक विषय या विषयों में व्यक्ति द्वारा अर्जित ज्ञान सूझबूझ कौशल का मापन करता है। फ्रीमैन ने बोला है किसी एक विषय या विषयों में उपस्थित अर्जित ज्ञान सूझबूझ का मापन, ये फ्रीमैन ने बोला है। उपलब्धि परीक्षण दो प्रकार का होता है, शिक्षा निर्मित परीक्षण, एक मानकीकृत परीक्षण। शिक्षा निर्मित होता है मानव निर्मित और ये स्टैंडर्ड टेस्ट होता है। वैरन के अनुसार पहले से विद्यमान पदार्थों या तत्वों को मिलाकर नया योग बनाने की क्षमता ही सृजनशीलता है, क्रिएटिविटी। वैरन ने दिया है क्रिएटिविटी के बारे में, क्रिएटिविटी पहले से विद्यमान पदार्थों या तत्वों को मिलाकर नया योग बनाने की क्षमता है, सृजनशीलता, इसे वैरन ने दिया है। इसका मापन वोलाच और कोगन जैसे वैज्ञानिकों ने किया है। इसमें दो आधार शाब्दिक और अशाब्दिक आधार पर 3 परीक्षण बनाए हैं सृजनशीलता के। वही बात करते हैं, भारत में वीके पाखी ने सृजनशीलता का परीक्षण का निर्माण 3 शाब्दिक और 3 अशाब्दिक यानी टोटल 6 आधार पर किया है, वीके पाखी। तो दोस्तों हमने यहाँ पे लगभग 200 क्वेश्चन के आसपास क्वेश्चन किए हैं, जो कि बहुत कम समय था, इस वजह से हमने बहुत फास्ट में आपको समझाया। आप देख लीजिए इसको आसानी से, आपको क्वेश्चन काफ़ी तैयार हो जाएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।